दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ की राय से अवगत होते हैं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सांस लेने में तकलीफ के बारे में। हम बहुत सारे मरीजों को देखते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ रहती है। कई बार हम देखते हैं कि अगर मरीज का बहुत ज़्यादा वज़न है तो भी वो सांस सही तरीके से नहीं ले पाता। कई बार हम ये देखते हैं कि कई बीमारियों में लोगों को सांस की तकलीफ़ हो जाती है, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई कार्डियक मरीज जो रहते हैं वो भी सांस लेने में हाँफने लगते हैं। अक्सर ये देखा गया है आप लोगों ने कि आपके मोबाइल पर भी कई बार ये टेस्ट आता है कि आप इतनी देर तक सांस रोकिए, अगर आप इतनी देर तक सांस रोक सकते हैं तो आप स्वस्थ हैं, अगर आपकी सांस बार बार फूल रही है तो आपको परेशानियाँ हैं। क्या कारण होते हैं सांस लेने में तकलीफ़ के, क्यों शुरुआत होती है सांस लेने में तकलीफ़ की, और कैसे जल्दी पहचाने कि कैसे इन सांस की तकलीफ़ को दूर किया जाए, और ऐसे मरीज़ जिनको श्वसन तंत्र की कोई बीमारी है उनके बारे में भी क्या सांस की तकलीफ़ आ सकती है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर पीएन अग्रवाल साहब को आमंत्रित किया है, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं अर्थात श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं। आप मध्य प्रदेश के पहले DM हैं जिन्होंने पल्मोनोलॉजी में DM किया, और सांस लेने में तकलीफ़ के मरीज़ ही उनके पास ज़्यादातर आते हैं उपचार करने के लिए। तो आइए उनसे ही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आखिर ये जो सिम्टम्स है कि सांस लेने में तकलीफ़, जिसके पीछे बहुत सारी बीमारियाँ छुपी रहती हैं, तो आपकी OPD में आमतौर पर जो मरीज़ आते हैं वो किन कारणों से सांस की तकलीफ़ लेकर चले आते हैं? डॉक्टर सत्य प्रकाश, देखिए श्वास रोग की जो जिस सिम्टम्स से लोग आते हैं उसमें बहुत छोटी बीमारी से लेकर अति गंभीर बीमारी तक के पेशेंट होते हैं। कई बार तो क्रिटिकल स्थिति होती है कि उनको रश करके ICU में ले जाया जाता है, परंतु कई बार यंगस्टर्स आते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ़ होती है। जब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम इनके शरीर में नहीं है, मन में है, कई बार एंग्जाइटी के कारण उनको ऐसा होता है, स्ट्रेस के कारण ऐसा होता है। उसके अलावा आपने जैसे बताया, हृदय रोग बहुत सारे हो सकते हैं जिसके कारण लंग्स में असर आता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, लंग्स की खुद की ऐसी एलर्जी की बीमारियाँ हैं, इन्फेक्शन के कंडीशंस हैं। आप यदि प्रदूषित वातावरण में रह गए तो भी समस्या इस तरह की हो सकती है। यदि आपको तेज़ बुखार के साथ सांस फूलती है तो उसके कुछ और मायने हो सकते हैं। हो सकता है उस व्यक्ति को निमोनिया डेवलप हो रहा है, हो सकता है इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है। उसके अलावा कभी कभी सीने में दर्द के साथ अचानक से सांस फूलती है, ऐसे में न्यूमोथॉरिक्स एक कंडीशन होती है जिसमें एक तरफ का लंग पंक्चर हो जाता है जी। फिर उसको हम एक्सरे में डायग्नोज करके चेस्ट ट्यूब डालते हैं। उसके अलावा कभी कभी हार्ट चेस्ट पेन, मतलब उसका हार्ट अटैक के बाद पल्मोनरी एडीमा से सांस फूलती है। तो बड़ी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ में ये प्रेजेंटेशन होता है, इसलिए हम लोग हमेशा बहुत चौकन्ने रहते हैं जब कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट इस लक्षण के साथ आता है कि मुझे सांस फूल रही है। जी जी, तो आमतौर पर डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास जो मरीज़ आते हैं इतने सारे, आप जैसे हृदय रोग के तो मरीज़ कई बार ही कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस के अंदर सांस की प्रॉब्लम लेके आमतौर पर किन बीमारियों के साथ लोग आते हैं और आप कैसे उपचार करते हैं? सबसे बड़ा ग्रुप जो है, जो श्वास रोगों से आता है, उसमें अस्थमा और COPD के पेशेंट होते हैं जिसमें श्वास की नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं वातावरण के बदलाव से, धूल से, प्रदूषण से, धुएं से, ठंडी हवा से, कुछ खाने पीने से, दीपावली में साफ सफाई से, किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल से, केमिकल से। तो हमने देखे, आप जैसे जानते ही हैं, बच्चों में को आप भी देखते हैं, गले के पेशेंट आपके पास भी जाते हैं जिनको वीजिंग होती है। हाँ। तो अस्थमेटिक जो बॉयज़ गर्ल्स हो सकते हैं, एडल्टली भी हो सकते हैं, तो उनके खास उनको जब जब उनको थोड़ी मेहनत करते हैं तो छाती में जकड़न फील होती है, कई बार सांस की सीटियाँ बजती हैं। यदि उन्होंने कई गृहणियाँ होती हैं घर में, अगर रोज़ कुकिंग करती हैं, उस कुकिंग का जो फ्यूम्स निकलती हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है, पूजा करती हैं उस अगरबत्ती के धुएं से भी उनको एलर्जी होती है, झाड़ू घर में जब देती हैं तो उस डस्ट से जब उनके श्वास नलियों में जाती है तो उनको अस्थमा के अटैक होते हैं, तो वो चाह के भी काम नहीं कर पाती, थक जाती है, उनकी ऑक्सीजन की मात्रा गिरती है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हम लोग कॉमनली देखते हैं, मौसम के बदलाव में ये नंबर बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ने बताया कि मुख्य रूप से एक तो अस्थमा, जिसको अपन जानते हैं और सभी लोग समझते हैं, इसको दमा भी बोलते हैं, उसके मरीज बहुत ज़्यादा रहते हैं, और एक बात डॉक्टर साहब ने बोली COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़, उसके बारे में और हम जानकारी लेंगे। इसी बीच में नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है नंदस्वरूप जी। नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो अस्थमा के मरीज होते हैं, सांस वाले मरीज होते हैं, तो इनको ऐसी कौन कौन सी चीजें जो नहीं खानी चाहिए जो सांस के लिए हानिकारक होती है? देखिए भाई साहब, इसमें आपको आवश्यक है कि ज्यादा तीखी चीजें ना खाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना लें, ठंडा पानी, बर्फ़, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स नुकसान करती हैं, स्पाइसी चीज़ें नुकसान कर सकती हैं। पर एक आम भ्रांति मैं रेगुलरली देखता हूँ कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध तो प्रतिदिन पीना चाहिए, दूध से बिल्कुल भी
खांसी नहीं होती, दूध से बिल्कुल भी कफ नहीं बनता, और दूध से किसी को अस्थमा भी नहीं होता है। जो आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है, फ्राइड चीज़ें नहीं खाना है, सिंपल लाइट खाना खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। और कई लोग अस्थमा के होते हैं लेकिन उनको सिगरेट पीने की आदत होती है डॉक्टर साहब, ये तो आप समझ लीजिए कि दो नाली बंदूक हो गई, अस्थमा वैसे ही खराब बीमारी। और जो जो सिगरेट साथ में पीते हैं उसमें धुएं से उनके श्वास की नलिकाएँ ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स सिकुड़ती चली जाती है, नैरो हो जाती हैं, तो उनके एयरवे और ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। तो पहले ही अस्थमा में हमारी श्वास नलियाँ नैरो हो गई हैं, स्मोकिंग का असर परमानेंट होता है। तो दोनों यदि एक अस्थमेटिक स्मोकिंग करने लगता है तो उसकी लंग कैपेसिटी 4 गुना तेज़ी से घटने लगती है, चलना फिरना दूभर हो जाता है, बहुत जल्दी उसके श्वास ऑक्सीजन के लेवल कम होने लगते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बैड एंड डेंजरस कॉम्बिनेशन जो हमारे द्वारा खुद का बनाया हुआ है। स्मोकिंग तो एडिक्शन है। जो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को देखने वाले कभी आप लोग स्मोक ना करें, और आपके किसी परिवार के सदस्य या कोई मित्र भी स्मोक करते हैं उसको उसको आप समझाएं कि धूम्रपान करना खराब है, श्वास का रोग करता है। और साथ अगर मान लीजिए धुएं से बच गया और केवल जर्दा ही खा लें तो दूसरी समस्या हो जाती है। जैसे आप आए दिन ऑपरेशन करते हैं, जर्दा खाने का मतलब है मुंह में तंबाकू रखते हैं तो ओंट का कैंसर होता है। कैंसर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मुंह में होता है, जीभ में होता है, गले में होता है, पैलेट में होता है। दूसरी समस्या होती है ज़्यादा सुपारी और जर्दा खाने से मुंह का माउथ खुलना कम हो जाता है, जिसे सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। जी जी, पर कैंसर से हम बहुत घबराते हैं क्योंकि कैंसर मुंह का कैंसर बहुत बहुत ख़राब होता है। तो देखिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है और साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो दो नाली बंदूक या एक तो करेला चढ़ा नीम, ऐसी कहावत है ना जो, तो इस तरीके से ये एडेड हो जाता है। तो इसलिए इससे अपने को पूरी तरीके से बचना है। किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन गलत है डॉक्टर साहब। दूसरा आपने बोला था सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज, मतलब हमारे, तो ये क्या होता है डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है और इसमें क्या क्या प्रभावित हो जाता है? देखिए जो लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो और दूसरे भी कोई स्मोक करते हैं, तो कॉन्स्टेंट स्मोक के अंदर जाने से हमारे एयरवे सिकुड़ते चले जाते हैं। ट्रेकिया के बाद जो हमारे बिन पाइप ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो मेन ब्रोंकस है उसकी ब्रांचेज हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिकुड़ती चली जाती है। साथ में हमारे जो लंग्स में एल्विओलाई है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बहुत पतली लेयर होती है, 300 मिलियन एल्विओलाई हमारे लंग्स में होती है, इमेजिन करिए। तो उनकी मेम्ब्रेन में से ऑक्सीजन खून में आती है, CO2 बाहर जाती है। इस स्ट्रक्चर के डैमेज होने से खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, एक बात। दूसरी बात, जब लंग्स का स्ट्रक्चर डैमेज होगा तो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपको जल्दी सांस फूलेगी। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे स्मोकिंग जनरली 25 से 30 साल की चाहिए रहती है, और एक व्यक्ति जो एक पैकेट सिगरेट रोज पीता है उसको हम कहते हैं 1 पैक ईयर। तो ऐसे जिसके पास 20-25 साल पैक ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, उस समय मान के चलिए कि COPD का शुरुआत हो जाती है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी क्षमता घटती है, ये बीमारी आपको बहुत दुख देती है। और इसका असर, स्मोकिंग का असर एक और भी है, हमारे लंग्स के अकेले ऊपर नहीं, हार्ट के ऊपर भी असर होता है, हार्ट अटैक्स के लिए होता है, पैरालिटिक अटैक्स होते हैं, लंग कैंसर डेवलप होता है। तो स्मोकिंग तो हर हालत में बिल्कुल आपको दूर रहना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि COPD हो गई, या फिर आपने बताया कि ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, जिनके मरीज़ जो हैं अस्थमा के मरीज़ कई बार जब ये मौसम बदलता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों को मौसम बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए? अभी जैसे लोग मरीज़ आ रहे हैं बहुत सारे जिनको खांसी हो रही है, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है कि रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो इसमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए इन लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है। देखिए इस समय वायरल इन्फेक्शन जब होता है अस्थमा के रोगियों को, तो काफ़ी ज़्यादा उनका अस्थमा एग्रावेट हो रहा है, खांसी होती है, सांस फूलती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और वर्क और उनके कुछ भी काम करने की क्षमता घटती चली जाती है, एक तो ये। दूसरा मौसम होता है ठंडा मौसम, जब वेदर ठंडा है पूरे सब तरफ, अक्टूबर से फरवरी मार्च तक कोल्ड वेव चल रही है, उस समय एक्सपोजर होने से चेस्ट में सीधा सीधा स्पैज्म हो जाता है, ठंडक से हमारी एयरवे सिकुड़ जाती हैं। ऐसा हम आजकल भी देख रहे हैं, जब रात में बच्चे 18-19-20 डिग्री टेम्परेचर पे अपने एसी रखते हैं, या बड़े एडल्ट्स भी जब लो टेम्परेचर पे एसी रख के रात भर सोते हैं, तो सुबह होते होते स्पैज्म हो जाता है, ऐसे में इनके अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है। उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा आंधी चले, तूफान चले, धूल है, धुआं है, रोड में आप ट्रैफिक पर जाएंगे तो नुकसान होगा। तो मोस्टली मौसम की बात करें तो ठंडा मौसम ज़्यादा ख़राब होता है, और गर्म मौसम में हम आर्टिफिशियली उसको नुकसान बनाते हैं, तो इस तरह से केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चौकन्ने रहेंगे तो अस्थमेटिक्स इस समय में अच्छे स्वस्थ रह के अपना समय निकाल सकते हैं। अब डॉक्टर साहब आपने जैसे कोविड के अंदर भी बहुत इलाज किया, और कोविड में दुनिया भर के CT आप लोग कराते थे, तब तो आम पब्लिक ही बोलने लग गई थी कि 14% इन्वॉल्व है तो इतने % इन्वॉल्व है। अब कई मरीज आते हैं वो ये बोलते हैं कि कोविड के बाद से डॉक्टर साहब हमारी सांस लेने की
या हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं बची और हमारी सांस फूल जाती है, तो ये सही है क्या, कोविड के दुष्प्रभाव के कारण लोगों की सांस लेने की क्षमता जो कम हो गई? हाँ जी डॉक्टर सत्यप्रकाश, देखिए सही भी है और उसमें दूसरे कारण भी हैं। जी, जी जी पहले तो जिनको सीवियर कोविड हुआ, जिनको जिनकी 70-80% लंग्स की क्षमता घट गई थी, नुकसान हुआ था, उनको काफ़ी हद तक नुकसान है। उनमें से कुछ लोगों को अभी भी लंग्स में क्षमता कम होने से, लंग फाइब्रोसिस होने से, उसमें एक और नई बीमारी आ गई, वो लंग फाइब्रोसिस जो हमने कोविड में देखी। तो ऐसे स्थिति में जिन लोगों के लंग फाइब्रोसिस अभी भी है या लंग्स स्टिफ हो गए, उनको समस्या है। परंतु दूसरी समस्या ये देखी है कि कोविड के बाद लोगों की एक्टिविटी कम हो गई। उस 2-3 सालों में लोग इंडोर रह गए, मोबाइल लेके सारी ज़िंदगी चलने लगी, तो आजकल उनकी एक्सरसाइज की आदत छूट गई है, बहुत लोग का वेट बढ़ गया है, उनको छोटे बच्चे खेलना कूदना भूल गए हैं, अब उनके हाथ में मोबाइल आ गया। सच में बहुत दुखद और बहुत भयावह स्थिति मुझे भविष्य में दिख रही है, क्योंकि यंगस्टर भी अगर खेलेंगे नहीं और यूथ ना खेलें, बच्चे ना खेलें, तो अब बैठे बैठे वो उनका वेट बढ़ जाता है, बैठे बैठे उनके लंग्स की क्षमता घटती जा रही है, क्योंकि जब तक आप दौड़ेंगे भागेंगे नहीं, लंग्स की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हर दिन जो जरूरी है योग करिए, प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए, ट्रेडमिल करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, ट्रैकिंग करिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी 1 घंटे के लिए हम सबके लिए होनी चाहिए। उम्र का कोई तकाजा नहीं, 70-80-90 साल में भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो जो बुजुर्ग सब देख रहे हैं इस प्रोग्राम को पूरे आपके देश में, तो उन सबकी लॉन्ग हेल्दी लाइफ के लिए गारंटी है। बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि कहीं ना कहीं लोग कोविड के बाद जो है, उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के तो लंग्स में ख़राबी आई है और जो फाइब्रोसिस होगी, मतलब लंग के फूलने की क्षमता ही खत्म हो गई, तो उन लोगों को तो सांस लेने में प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे लोग जो उसके बाद से इंडोर हो गए और फिज़िकल एक्टिविटी घटा दी, तो वो बहुत गलत बात है। और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है, आपको 1 घंटे की फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको सूट करे आपको ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब अशोक जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ के उनका सवाल ले लेते हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पूछिए अशोक जी। हेलो सर, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने के बाद उसका बहुत कम लेवल बढ़ जाता है और उसके स्वास्थ्य उसके अंदर जैसा उसका निकलते हैं उसी में रहती, तो ये कितना नुकसान है? मैं समझा नहीं, शायद ये कह रहे हैं कि देखिए धुआं तो निकल जाता है सिगरेट पीते हैं तो, थोड़ा बहुत ही रह जाता है, तो उससे कितना हुआ, उससे धुएं से क्या नुकसान? देखिए धुआं तो अंदर जाता ही जाता है और धुएं के साथ सिगरेट में जो अंदर ऐश है उसके पार्टिकल जाते हैं। इसमें 3000 तरह के केमिकल्स पाए गए हैं सिगरेट के धुएं में, तो जब वो हमारे लंग्स में जाते हैं तो उसमें एक तत्व है जिसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि कैंसर जनरेट करता है, कैंसर को जनित है, तो ये बनता है। इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे आप उसको डीप ब्रेथ लेके सीधे डीप इनसाइड लंग्स में लेके जाते हैं, आप मान के चलिए कि धीरे 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 इसका असर होता है, जो हमें उस समय एकदम पहचान में नहीं आता है, पर 15-20 साल बाद कहीं ना कहीं उसका असर दिखने लगता है। कहीं गले में गुठली बनती है, लंग्स में कैंसर होता है, थायराइड में प्रॉब्लम होता है, यूट्रस में हो सकता है, प्रोस्टेट में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, माउथ में हो सकता है, तो ये पूरे बॉडी के अंदर कैंसर करते हैं। इसलिए आप ये है उसका खतरनाक पहलू अशोक जी। तो कितने ही धुआं बाहर निकल जाए लेकिन जो अंदर चला जाता है वो ही आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है। एक बात कहूँगा, आपने जो धुआं बाहर छोड़ा वो आपके साथियों परिजनों सबको नुकसान कर रहा है, उनको भी COPD का रोग हो जाता है, जिसे आप सेकेंड हैंड स्मोक बोलते हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो आपके कमरे में बैठे अन्य लोग भी उतने ही रिस्क में हैं यदि वो लगातार धुआं इनहेल करते रहते हैं, जो आपको बीमारी होगी उनको भी उस तरह की बीमारी होने की संभावना रहती है, अतः ना पिए ना पीने दें। तो आप जो है कहीं ना कहीं खुद जो पीते हैं उससे तो आपको नुकसान होता है और जो स्मोक बाहर निकलता है उससे जो आपके आसपास घर के लोग रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए स्मोकिंग किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को गलत करती है। डॉक्टर साहब एक पेशेंट थे, वो उनका तो ये हाल था कि वो जब अपने को घर में चल ही नहीं पाते थे, उनको तो एक मशीन लगा के चलना पड़ता था और वो जब भी कोई स्ट्रेनियस वर्क करते थे तो मशीन लगी रहती है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज उनकी सांस फूलने लगती थी, तो ये क्या बीमारी होती है और फिर ऐसे में आदमी कैसे जीवन यापन करे? जो आप जिस पेशेंट की बात कर, मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ कि वो कम से कम इतने चौड़े थे, अर्थात जिन व्यक्तियों को लगा था वो ओबीज थे, तो ओबेसिटी वाले मोटापे के कारण जो रोग होता है उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसमें उनके सांस नली रुक जाती है सोते समय। उसको दूर करने के लिए आपने जो बताया मशीन लगाते हैं, मशीन लगाने से रात भर सोते समय मशीन लगाते हैं, जब आप दिन में जगते हैं तो मशीन उतार दी जाती है। जब सोते हैं आप लेटते हैं तो आपका गला पीछे जाता है और उसमें टंग फॉल होकर उसको रस्से को ब्लॉक कर देती है, ऐसे व्यक्ति फिर सांस ले नहीं पाते हैं, धीरे धीरे उनकी सांस की गति धीरे होती है और बीच में कई बार हृदय गति भी कमजोर हो जाती है, ऑक्सीजन गिर जाती है, कई बार तो सडन डेथ भी हो जाती है।
तो ये कंडीशन कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसका उसका जो जन उसका जो पैदाइशी है वो है मोटापे से। सो देर इज मोस्टली आपको ओबीज पेशेंट मिलेंगे, स्मोकिंग इसमें करना नहीं है, और इस ऐसे में आपको वेट कम करना जरूरी है, ऐसे में आपको अच्छी लाइफ स्टाइल रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसी कोई टैबलेट्स हमारे पास नहीं है कि हम गोली खिला के उस बीमारी को ठीक कर सकें। इसकी एक उसका तरीका एक तो आप जो आप इस पूरे एरिया को ऑपरेट करते हैं, जैसे आप ऑपरेट करते हैं, जिससे यहाँ की जो फेरिंजल क्राउडिंग है उसको आप कम करके रास्ते को बड़ा कर लेते हैं, आप टंग को भी काट छांट के छोटा कर देते हैं कि रास्ता खुल जाए, पर जब तक आप पूरे शरीर को दुबला ना करें तब तक आप। और एक बात और कहना चाहूँगा जो एनकरेजिंग बात है कि इस रोग का इलाज वेट लॉस करने में ही है, आपका वेट कम होता जाएगा, वापस आप 120 किलो से वापस आपने उसी पुराने 70 से 75 किलो के जोन में आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी 90% बीमारी तो अच्छी हो चुकी है। बहुत ही सही बात बताई डॉक्टर साहब ने कि ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ है और रात को आपको मशीन लगा कर सोना पड़ता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। और ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरी हैं डॉक्टर साहब के पास जिन लोगों ने वेट कम किया और आज वो फिर से अपनी लाइफ जो अच्छी तरीके से बिता रहे हैं। तो इस पे अपने को ध्यान देना चाहिए, विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, उपचार करना चाहिए और मेहनत करके, क्योंकि इससे आपकी जीवन जो है वो बढ़ेगा। डॉक्टर साहब आमतौर पर जैसे कोई मरीज आपके पास आता है जिसको सांस में तकलीफ है तो आप क्या जांचें करते हैं? सांस में तकलीफ की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जान पूरे देश में फैला हुआ है ट्यूबरक्लोसिस। ये बीमारी कई तरीके से लंग्स को इन्वॉल्व करती है, तो जैसे लंग्स में पानी भर जाना, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना इत्यादि, निमोनिया वगैरह, बहुत सी ऐसी बीमारियां। आपने जो प्रश्न पूछा है इसमें अप्रोच के अलावा बहुत सारी डिफरेंट बीमारियां इन्वॉल्व हो जाती है, सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट उसका हो जाता है। लंग कोलैप्स हो गया, कभी लंग ट्यूमर हो गया, लंग्स में पानी भर जाना, लंग में फॉरेन बॉडी जाके श्वास नली का कोलैप्स हो जाना, लंग उतने से काम नहीं करता है, पुराना टीबी उससे लंग फाइब्रोज हो जाता है, या इस तरह की चोट लगने के बाद पानी है ब्लड भर जाना, ऐसे बहुत सी सिचुएशन है। तो आपका प्रश्न बहुत सटीक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है जिसको सांस फूलती है कुछ तो हम बातों से समझते हैं, कुछ हिस्ट्री से कि पुराने घर में उनको अस्थमा था, दवाई लेते थे, परंतु सबसे पहले कुछ ब्लड की जांचें की जाती हैं कि हीमोग्लोबिन बहुत कम होने से भी सांस फूलती है, कई बार WBC बहुत बड़े हैं जो शो करते हैं कि कुछ इन्फेक्शन है, हो सकता है निमोनिया हो रहा हो, जो एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। उसके अलावा हम करते हैं चेस्ट एक्सरे, जो सबसे बेसिक टेस्ट है जो लंग्स के बारे में पूरी जानकारी देता है। इस एक्सरे में लंग्स के अंदर हमको लंग्स अलग दिखते हैं, जो एयर इंटरेस्टिंगली सब कुछ वाइट दिखता है एक्सेप्ट एयर। एक्सरे जब स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं जो एयर है वो काली दिखती है, बाकी सारी चीज़ें बोन्स और हार्ट और मसल्स वाइट ही दिखती हैं। तो इसमें लंग्स का साइज़ मिलता है, इसमें प्रेजेंट यदि पानी हो तो दिख जाता है, निमोनिया पता चल जाता है, इसमें लंग कैंसर के गठानों का पता चल जाता है, लंग एब्सेस जो घाव होते हैं उनका पता चल जाता है, लंग्स का साइज मिल जाता है। कई बार लंग छोटे छोटे होते हैं, कई बार ओबेसिटी के कारण हम देखते हैं कि लंग छोटे हो गए, कई बार हार्ट डिजीज में हार्ट बड़ा मिलता है। तो चेस्ट एक्सरे एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कार्डियक डिजीज भी मिलती है, लंग्स की डिजीज भी मिलती है, कई बार कैंसर दूसरे ऑर्गेन से, थायराइड से, प्रोस्टेट से, इंटेस्टाइन से निकल के, ब्रेस्ट से निकल के लंग्स में आ जाता है। जी, तो हम वो भी देख पाते हैं कि मेटास्टेटिक डिजीज तो नहीं है, बीमारी प्राइमरीली कहीं और है पर वो मैनिफेस्ट लंग्स में करती है। तो व्यक्ति को सांस फूलती है, बाकी कोई सिम्टम नहीं पर सांस फूलती है, ऑक्सीजन कम होती है, तब हमको यहाँ से हम जब बैक ट्रैक करते हैं कि भाई कहाँ होगा, तब देखा था या तो किडनी में कैंसर है या कहीं और है। तो एक ये एक तरह से इससे भी जानकारी हमको मिलती है। कई बार एक जैसे आपने भी कितनी फॉरेन बॉडी निकाली है, हमने मिलके भी निकाली है, जो कई बार गुटलियां जाके फंस जाती हैं, मूंगफली या चना मटर, और राइट साइड के ब्रोंकस या लेफ्ट साइड के मेन ब्रोंकस में फंसती है, या छोटे बच्चों में 2.5 साल 2 साल, तो वो लंग पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि जो पतली एयरवे है वो सिकुड़ती, वो ब्लॉक हो जाती है, तो एक तरफ के लंग में हवा जाती ही नहीं है। तो हमको एक्सरे में दिख जाता है कि छोटा बच्चा जिसको सांस फूल रही, जो बोल नहीं पा रहा है, 1 साल का बच्चा, उसमें एक हम देखते हैं एक्सरे में जादू से पता चलता है कि अरे एक लंग तो कोलैप्स हो गया है। तो हमारी पहली संभावना हमारी फिर रहती है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, फिर उसको दूरबीन से निकाला जाता है और जादू होता है, तो निकलने के कुछ समय के बाद ही बच्चा एकदम सेफ हो जाता है और एक्टिव होने लगता है। तो इस तरह से ये कुछ कारण कुछ बातें हो गई। तो आपने बताया कि एक्सरे चेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है, इसके अलावा जैसे जो अस्थमा वगैरह के मरीज आते हैं उनकी सांस की लंग की कितनी कैपेसिटी, इसकी भी कोई जांचें आप करते हैं? इसकी बहुत स्पेसिफिक जांच है जिसका नाम है स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे बहुत सिंपल टेस्ट होने से हमको 5 मिनट में जानकारी मिल जाती है कि एयरवेज का कैलिबर कैसा है, लंग की कैपेसिटी कैसी है, रुकावट कितनी है और रिवर्सिबिलिटी कितनी है। अस्थमा में 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो श्वास नलियों में फूकने में रुकावट आती है, फ्लो धीरे हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है लंग्स खाली होने में, और दूसरा फिर उनको हम सेल्विटामोल से नेबुलाइज करके जब रिपीट करते हैं तो हम देखते हैं कि विद इन दिस टाइम एयरवे सडनली खुल गए हैं, तो फ्लो 15% से ज़्यादा बढ़ जाता है उसी समय। तो यही कि इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, वर्ल्ड भर में इसी टेस्ट से अस्थमा का डायग्नोसिस करते हैं।
एक तो एक्सरे चेस्ट जो कि बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है और बहुत महंगा नहीं है, और दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमीट्री जो ये करते हैं उससे भी जो है ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों को काफ़ी आराम मिल जाता है, और ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाता है, और ये भी टेस्ट डॉक्टर साहब बहुत महंगा नहीं है। बिल्कुल महंगा नहीं, 300 से 400 रुपए में जनरली किया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं तो है। डॉक्टर साहब ये जो सीटी स्कैन करते हैं आप लोग, जैसे कोविड में हम देखते थे कि हर जी आदमी का सीटी स्कैन होता था और हर आदमी, तो सीटी स्कैन लंग की डिसीजेज में कब करने की ज़रूरत पड़ती है? सीटी स्कैन एक बहुत इंफॉर्मेटिव टेस्ट है, पर थोड़ा कॉस्टली है, और इसका लेवल आता है जब हम बेसिक जांचें कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे वगैरह, फिर एक और जांच ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो जब हमें एक्सरे में कुछ लगता है कि वो शेडो दिख रहा है पर हम श्योर नहीं है कि क्या चीज़ है, तो जी सीटी स्कैन में 3 डायमेंशनल कट्स मिलते हैं। जैसे आपने एप्पल को ऐसे चिप्स लिए उसके तो अलग अलग लेवल पर पता चलता है, ऐसी हमारी छाती के डिफरेंट लेवल पर कट्स दिखाते हैं, उसमें यदि कुछ गठान है तो वो कैंसर की गठान तो नहीं है, क्या उस एरिया में निमोनिया है वो पता चलता है, उसके अलावा वहाँ पे पस जमा है, जो पसली में पानी है वो पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी पता चलती है, उसके अलावा कई बार फॉरेन बॉडीज भी दिख जाती हैं, बनावट में कुछ खराबी है तो पता चल जाता है, और उस तरह के कई सारे जो जो डिफरेंशियल होते हैं हमारी संभावना। एक्सरे में 2 डायमेंशनल इमेज मिलती है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल मिलती है। यदि एक्सरे में एक धब्बा यहाँ दिख रहा है तो कहना मुश्किल है कि फ्रंट में है कि बैक में है, जी 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 पर जब सीटी स्कैन में कट मिलता है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आगे है कि पीछे की मिडिल पार्ट में है कि साइड में, वो पूरी अच्छे से मिलती है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक भी उसमें डिसाइड होता है, बायोप्सी लेना है कि किसी फ्लूड की जाँच करना है, तो उसको इस तरह सीटी स्कैन कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें इससे और ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो डॉक्टर साहब ये जो बीमारियाँ ब्रोंकियल अस्थमा है, COPD है, या मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस, इन सब में लंबा इलाज होता है, तो इन लंबे इलाज के अंदर मरीज़ जो कई बार एब्सेंट हो जाते हैं और कई बार मरीज़ बीच में इलाज छोड़ देते हैं, तो ये कहाँ तक घातक रहता है इनके लिए? देखिए ये हर बीमारी में घातक रहता है, और अस्थमा बिगड़ जाता है, COPD में आप स्मोकिंग छोड़ेंगे तो अच्छी बात है, और जहाँ तक सवाल ट्यूबरक्लोसिस का है, हमारे देश में हम देख रहे हैं बड़ा, ये बहुत बड़ा बड़ी बीमारी वर्ल्ड भर में है, और ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत आवश्यक है प्रॉपर दवाइयाँ लें और उसको जल्दी क्योर करें, क्योंकि एक बड़ी समस्या ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में आती है ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होने की, कीटाणु रहते हैं ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उनका नेचर होता है कि वो उनका उसमें जल्दी ड्रग पेनिट्रेट करती नहीं है, इसलिए 6 महीने का मिनिमम ट्रीटमेंट वर्ल्ड में लगाना करना ही पड़ता है, तो इतना लंबा ट्रीटमेंट लेने में बड़ी समस्या है, डिफॉल्टर बहुत हो जाते हैं, किसी कारणवश दवाई कम कर देते हैं, कभी कभी दवाइयों से समस्या आती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नियमित दवाई खाएं, और ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स जिनको समस्या हो रही है वो त्वरित अपने चिकित्सक से मिलें और उसको दवाइयों को रोकें नहीं, रोकना जी बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि आपकी बीमारी आगे बढ़ सकती है, उसके चलते आपकी बीमारी से आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स को बीमारी होती है, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो सोसाइटी एज ए होल को बहुत नुकसान होता है, और उससे ऊपर जो हमारे देश के हमारी जो सरकार हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम अपने अपने देश से ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करें, वो पूरे प्रयास को भी एक धक्का धक्का लगता लग जाता है। बहुत ही अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र जो है वो मुंह से शुरू होकर गले से होता हुआ फेफड़ों पे जाकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कई बार ही इसके अंदर जो है बहुत सारे विकार आ जाते हैं, दुनिया भर की बीमारियाँ आ जाती हैं डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, जिसके लिए एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, स्पायरोमीट्री करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, बच्चों के अंदर कुछ चला जाता है तो उसको ब्रोंकोस्कोपी से निकाल लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई वो ये बताई कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, स्मोकिंग जैसे कुटेव को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, व्यायाम को अपने उसमें आप ज़रूर शामिल करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लंग का, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। डॉक्टर साहब समय हमारे पास कम है, सवाल तो और भी हैं, आपको फिर कभी बुलाएंगे, आप स्टूडियो में आए, इतने पे की जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप अभी जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, क्योंकि हमारा दूसरा सेगमेंट जो है उसमें आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं, आने वाले 14 जून को ब्लड वर्ल्ड ब्लड डोनर रहे, और आज हम रक्तदान के बारे में ही बातचीत करेंगे कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। डॉक्टर साकेत दत्ता जो कि DM हेमेटोलॉजी हैं वो हमारे साथ रहेंगे। हम